हेलो एवरीवन, चलो आ जाओ, चीबी मारो को चैन शुरू होने वाला है। ये भी कोई फिलोसॉफी है क्या? वो तो बस मुझे खुरे ही जा रहा था, बहुत ही अजीब था ना। मारुको, तामा-चान, हेलो, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, अब घर जा रही है। अरे नेगेशी, जल्दी आओ। सॉरी, अभी आया। फिर मिलते हैं। बाय बाय। ये कैंडी कितनी अच्छी थी ना, मुझे तो और खाने का मन कर रहा है। अरे वो लड़का तो तुम्हारी दीदी और उनके दोस्तों के साथ था ना? और अगले दिन उसकी I'm sorry, तुम ठीक हो? मारुको-चान, नेगेशी-कुन, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम ठीक हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सॉरी, मैं सामने की तरफ बिना देखे चल रही थी। ये लो। शुक्रिया, असल में मैं भी कुछ सोचते हुए ही चल रहा था। I'm sorry। कुछ सोचते हुए चल रहे थे? इसका मतलब क्या? क्या कहे, आप मेरे दीदी के बारे में तो नहीं सोच रहे थे? नहीं नहीं, उसके बारे में तो भूल ही जाइए, वो तो बस हैडी की को ही पसंद करती है। नहीं मारुको-चान, तुम गलत सोच रही हो। क्या? मैं तो अपनी छोटी बहन के बारे में सोच रहा था। छोटी बहन? हाँ, मेरे बर्थडे के दिन मेरी बहन। हैप्पी बर्थडे भैया, मैंने ये आपके लिए बनाया है, ट्राई कीजिए। थैंक यू। वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब मेरी बहन का बर्थडे भी आने वाला है, तो मैं भी उसे कुछ गिफ्ट देने के बारे में सोच रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या गिफ्ट करूं। आप कितने अच्छे बड़े भैया हैं। काश दीदी भी आपसे कुछ सीख पाती। शायद पहले तुम्हें भी नेगेशी के बहन से कुछ सीखना चाहिए। इसीलिए मैं किसी लड़की से ये पूछना चाहता था कि उन्हें क्या पसंद होता है, इसीलिए मैं सकुरा से पूछने वाला था, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। तो आप ये सोच रहे थे? हाँ सच में। मारुको-चान और तामा-चान, क्या तुम दोनों मेरी मदद कर सकते हो इस बारे में? अगर मैं उसकी जगह होती तो मुझे एक ऐसा पेड़ चाहिए जिसमें बहुत सारे पैसे लगते हो। मारुको-चान, अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। लेकिन बातों से तुम सच में सीरियस लग रही थी। मुझे लगता है आपकी बहन को आप जो भी दोगे उसे जरूर पसंद आएगा। हाँ सच में, आपकी बहन आपके दिए हुए किसी भी गिफ्ट से खुश हो जाएगी। असल में मैं कुछ भी सोच नहीं पा रहा हूँ। अरे हाँ, क्या?
असल में मैं इस संडे गिफ्ट खरीदने के लिए जाने वाला हूँ। क्या तुम दोनों मेरे साथ चल सकते हो? क्या? हम दोनों? हाँ, शायद तुम नहीं चल सकते है ना? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। तुम बताओ तामाचैन। मैं तो चल सकती हूँ, तुम बताओ मारुचैन। मैं तो हमेशा ही फ्री रहती हूँ। तो चलो हम गिफ्ट खरीदने में इनकी मदद करते हैं। सच में शुक्रिया। और रविवार के दिन? क्या तुम नहीं जा सकते? अचानक से डिसाइड हुआ कि मुझे रिश्तेदार के घर जाना है। अच्छा तो ठीक है, फिर कल स्कूल में मिलते हैं। बाय बाय। मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। अरे मारुको, तुम बाहर जा रही हो? मैं किसी से मिलने जा रही हूँ। मैं भी बाहर जा रहा हूँ नकानो-सान से मिलने। चलो एक साथ चलते हैं। मुझे उनसे मिलने के लिए इस रास्ते से जाना होगा। और मुझे इस रास्ते से जाना पड़ेगा। वो रहे। हे मारुको-चान। हाय, बाय बाय दादाजी। मारुको, ये नहीं हो सकता। मुझे लगा तुम तामा-चान से मिलने जा रही हो, लेकिन ये तो एक लड़का है। नहीं, ये नहीं हो सकता। नकानो-सान। सकुरा-सान, सकुरा-सान, आपको क्या हो गया है? मेरी पोती एक लड़के के साथ क्या बात है? डेट पे गई है। डेट पे? नकानो-सान, मुझे माफ कर दो, लेकिन क्या हम कहीं और चल सकते हैं? हम पॉटरी स्टोर नहीं जा रहे हैं। मेरे लिए ये बात पॉटरी से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे माफ कर दीजिए। हाँ ये रहा, ये बहुत ही अच्छा स्टोर है। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। सुंदर है। तामा-चान तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छा गिफ्ट चूज करके दूंगी। शुक्रिया। सकुरा-सान, चुप रहो, मारुको हमें देख लेगी। अच्छा, भले ही आप छुपने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्चों की दुकान में आप जैसे बूढ़े लोगों को देखकर कोई भी चौंक जाएगा। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? क्या आप अपनी पोती के लिए कुछ खरीदना चाहते हैं? हाँ। अच्छा ये कैसा रहेगा? और ये वाला भी, और ये वाला भी अच्छा है। ये भी देखिए। मैं यहाँ आकर किस मुश्किल में फंस गया। कितना क्यूट है। आपकी बहन को कौन सा एनिमल पसंद है? सोचने दो। ये तो अपनी बहन के बारे में बोल रहा है। शायद रैबिट। अच्छा रैबिट, तो फिर ये कैसा रहेगा? हाँ ये वाला भी अच्छा है। मेरी बहन को ये जरूर पसंद आएगा। अच्छा तो ये दोनों इस लड़के के बहन के लिए गिफ्ट्स लेने आए हैं। ये डेट नहीं थी। अब मुझे राहत मिली, एक बूढ़े इंसान की खुशी। शांत दिमाग वाला तुम हो। मुझे कौन सा लेना चाहिए? मारुको-चान, तुम्हें क्या लगता है? वाह, ये कैट कितना क्यूट है। ये बेयर भी तो बहुत क्यूट है। मुझे कौन सा लेना चाहिए? मारुको-चान। हाँ सॉरी सॉरी, मैं तो सिर्फ अपने बारे में ही सोचने लग गई थी। हाँ बोलो क्या बात है? कोई बात नहीं, मैं खुद डिसाइड कर लूंगा। अच्छा फिर। मैं क्या करूँ, ये दोनों ही बहुत क्यूट है। अगर निगेशी-कुन को ये पता होता कि यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है, तो वो यहाँ अकेले ही आता। चलो नकानो-सान, हम अब पॉटरी स्टोर चलते हैं। तुमने ये कब खरीदा? यहाँ आने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, आपका शुक्रिया। क्या बात है?
ये अच्छा है ना? क्या? लेकिन इसकी कीमत 100 येन है, मेरे पास तो सिर्फ 30 येन है। तुम्हें ये बहुत पसंद है, मैं पैसे उधार दे सकता हूँ। क्या सच में? तुम आज मेरे साथ यहाँ आई, ये लो। आपका शुक्रिया। कुछ दिनों के बाद। सकुरा-सान। निकिशी-कुन। क्या तुम मारुको-चैन से ये कह दोगी, मेरी बहन को वो बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच। किस बारे में बात कर रहे हो? मारुको-चैन ने मेरी बहन के लिए गिफ्ट खरीदने में मेरी मदद की थी। क्या सच में? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मारुको ने तुम्हारी मदद की थी। और पैसे देने की कोई जल्दी नहीं, आराम से देना। हा? चलता हूँ। पैसे? मैं तो भूल ही गई थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुमने पैसे उधार लेकर क्या खरीदा? ये। क्या तुमने ये खरीदा? लेकिन उन्होंने तो कहा पैसे देने की कोई जल्दी नहीं है। बेवकूफ, मेरी बात सुनो, अभी मैं उसे पैसे दे देती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे पैसों के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नहीं। अगर मॉम को इस बारे में पता चला तो बहुत गुस्सा करेंगी। ये तुमने क्या किया मारुको? अच्छा ठीक है। अरे ये तो मम्मी की तरह दिख रहा है। क्या? हाँ सच में। अब नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मारुको को ये पता चल गया कि क्यों उसे ये डॉल इतनी पसंद आई। और ठीक उसी समय, मुझे लगता है ये कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। लेकिन तुम पे ही अच्छा लग रहा है। नाकानो-सान अपनी वाइफ के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मारुको दादाजी के रूम में शिफ्ट हो गई। चलो देखते हैं। हे मारुको, तुमने रूम की ये क्या हालत कर दी है? क्यों किया मैंने? ये तो बिल्कुल ठीक है। इसे अभी साफ करो। योशिको-सान आज आने वाली है। मैंने तुम्हें कहा था कि हम इस रूम को यूज करेंगे। इसकी चिंता मत कीजिए। बिल्कुल नहीं, तुम इसे अभी साफ करो। दीदी आप भी ना, ये मेरे साइड का रूम है, आपको इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन ये मेरे साइड आ जा रहे हैं। इतनी छोटी चीज को जाने दीजिए ना। तब मुझे ये सब बाहर फेंकना पड़ेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अभी इसे साफ कर देती हूँ। ठीक है। इतना धीरे काम मत करो, चलो चलो अब जल्दी हाथ चलाओ। आप मुझ पे इस तरह से ऑर्डर नहीं चला सकती हैं। बड़े होने का फायदा मत उठाइए। मैं तुम पे ऑर्डर नहीं चला रही हूँ, मुझे इससे परेशानी हो रही है, इसीलिए कह रही हूँ। जो भी हो, अगर आपको इतनी ही परेशानी हो रही है तो आप इस रूम से चले क्यों नहीं जाती? मैं इस रूम से क्यों जाऊंगी, बल्कि तुम्हें इस रूम से बाहर चले जाना चाहिए। नो थैंक्स, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसे प्रॉब्लम हो रही है वो रूम से जा सकता है। आई हेट यू। सुनो, योशिका-सान आई है। आ रही हूँ। मारुको, वो सब छोड़ो और फौरन इस रूम से निकलो। एक मिनट रुको। मेरी दीदी बिल्कुल अच्छी नहीं है। मारुको। अच्छा अच्छा, तुम ज्यादा गुस्सा मत करो, ये लो और चाय पीकर अपने आप को शांत करो। शुक्रिया। देखो मारुको, यहाँ बहुत सारी मिठाई है। ये लो मारुको। देखती हूँ। ये रूम तो सच में कितना कंफर्टेबल है। मुझे तो लग रहा है कि मैं जन्नत में हूँ। क्या जन्नत? क्या तुम्हें ये जन्नत लग रहा है? हाँ बिल्कुल, और दादाजी और दादी माँ यहाँ के एंजल्स हैं। तुम्हारी बातें सुनकर अच्छा लगा। काश मैं हमेशा यहाँ रह सकती। हाँ, क्या मैं इस रूम में शिफ्ट हो सकती हूँ? क्या फिर से मुझे उस शैतान दीदी के साथ रूम में नहीं रहना है? मैं यहाँ आ सकती हूँ प्लीज? मुझे भी बहुत खुशी होगी। और आप दादी माँ? तुम्हारी दीदी के साथ सब ठीक होने तक तुम यहाँ रह सकती हो। दादाजी मेरी कॉमिक बुक्स को जरा संभाल के। अच्छा ठीक है। तुम ये क्या कर रही हो? मैं इस रूम से जा रही हूँ, और आप तो यही चाहती थी ना? क्या? मैं दादाजी के रूम में जा रही हूँ।
अच्छा दादाजी, क्या आप इसे ले जा पाएंगे? अच्छा, कोशिश करता हूँ। दादाजी, माफ करना मारुको, मुझ जैसे कमजोर बूढ़े के लिए ये बहुत भारी है। मारुको, तुम्हें क्या लगता है? बहुत अच्छा, अगर मैं इसे ऐसे रख दूं, मेरा टेबल तैयार है। ओह, ये कितना सुंदर टेबल है। हमें इसी तरह काम करते रहना होगा। हाँ, चलो काम करते हैं। क्या पापा के रूम में चली गई? तुम बेकार में उनको परेशान करोगी, ऐसा मत करो। नहीं, हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। मारुको जितने दिन चाहे रह सकती है। फिर भी मारुको शायद बहुत सीरियस है, उसके लिए यही सही होगा। दादाजी और दादी माँ कितने अच्छे हैं, और मैं जितने चाहूँ स्नैक्स खा सकती हूँ। मेरी रूम की तुलना में तो ये जगह जन्नत है। तुम्हारे जाने के बाद मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। आपके लिए तो यही सही है। तुम कभी भी वापस मत आना। यहाँ देर तक जागने पे भी कोई कुछ नहीं कहता। ये जगह सच में कितनी अच्छी है। क्या तुम अपने दादाजी के रूम में शिफ्ट हो गई? वहाँ बहुत मजा आ रहा है। सच में? सुनो ना, तुम आज मेरे घर चलो ना। क्या? लेकिन मेरी वजह से उन्हें परेशानी हो सकती है। तुम मेरे घर आ सकती हो। मैं तो कुछ दिन पहले ही तुम्हारे घर गई थी। अब तुम्हारी बारी है, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। मैं घर आ गई। मम्मी, आज यहाँ तामाचन आने वाली है। ओह, तो मुझे तुम लोगों के लिए कुछ स्नैक्स बनाना चाहिए। हमारे पास क्या है? उसकी चिंता मत कीजिए, उसके लिए दादाजी और दादी माँ है ना। क्या? अब ये मत कहना कि तुम उनके रूम में खेलने वाली हो। हाँ बिल्कुल, अब तो वो मेरा भी रूम है ना। नहीं नहीं, आज हमारे यहाँ नाकानोसान आने वाले हैं, समझे? अरे मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, दादाजी खुद कह रहे हैं। फिर भी? तो फिर मैं बाहर से शॉपिंग करके आती हूँ। ध्यान से जाइएगा। मारुको मैं आ गई। हाँ तामाचन आ गई। ये कितना अच्छा है ना। बहुत अच्छा है। अब हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, हम ओथेलो गेम खेले। लेकिन वो तो अभी उस रूम में है। मेरे पास गो गेम है। क्या? दादाजी हम गो गेम नहीं खेल सकते। क्यों ना हम गोबन गेम खेले? हाँ चलो खेलते हैं। वहाँ पे, हाँ बिल्कुल सही। तमाचैन वहाँ नहीं। दादाजी आप शांत रहिए ना। माफ करना। पापा बाहर आइए, नाकानोसान आए हैं। मैं आ रहा हूँ। क्या नाकानोसान? हेलो। प्लीज अंदर आ जाओ, मैं चाय बनाता हूँ, तुम मेरे रूम में आ जाओ। हाँ उसकी जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी। नाकानोसान दादाजी, हेलो। हेलो, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। अरे ये तो सकुरासान का रूम है, यहाँ क्या हो रहा है? क्या मैं गलत रूम में आ गया? ओह नाकानोसान, क्या बात है? अच्छा ये शिफ्ट हो गई है। हाँ इसलिए यहाँ कुछ ज्यादा लोग हैं। लेकिन मारुचैन, मुझे लगता है घर जाना चाहिए। क्या? लेकिन तुम तो अभी आई हो। चलो हम अपना गेम कंटिन्यू करते हैं। मारुको मुझे माफ कर देना, लेकिन क्या मैं गो बोर्ड यूज कर सकता हूँ? क्या? मैंने नाकानोसान के साथ गो गेम खेलने का प्लान बनाया था। अच्छा ठीक है। नहीं मैं कभी और गो गेम खेल लूंगा। नाकानोसान दादाजी, हम कुछ और खेल लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। सॉरी,
मुझे माफ कर दो। चलो हम पिक्चर्स बनाते हैं। ठीक है। मुझे यह बहुत बेचैनी हो रही है। मैं क्या करूं? मेरी वजह से इनकी पोती और उसकी दोस्त को परेशानी तो नहीं हो रही? हो गया। ये मैं हूँ, कितना अच्छा है। सच में ये बहुत अच्छा है। सुनो मारुको, तुम नाकानोसान की भी एक पिक्चर बनाओ। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, पर इसे जरा हैंडसम बनाना है। मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, ये मुझे शर्म आ रही है। ठीक है, बनाती हूँ। दामाचंद, तुम भी मेरे साथ बनाना चाहोगी क्या? क्या मैं घर जा सकता हूँ? क्या मारुचंद, मुझे लगता है मुझे भी जाना चाहिए। क्या? अच्छा अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। मारुचंद, फिर मिलते हैं। फिर मिलते हैं। वो दोनों यहाँ पे कितने अनकंफर्टेबल लग रहे थे। हाँ, शायद। हाँ? नहीं, ये क्या है? यहाँ क्या हो रहा है? तुम तो इस रूम से जा चुकी हो ना, इसीलिए मैं इस रूम को अपने मुताबिक फ्रील इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं यहाँ वापस आ रही हूँ। क्या? दादाजी, मेरा सारा सामान लाने में मदद कीजिए। तुम ऐसी बातें करना बंद करो। ये मेरा भी रूम है, मैं यहाँ जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। आखिर में मारुको बस 2 दिन के बाद ही अपने रूम में वापस आ गई।